अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये देखें, एक छोटा सा बच्चा होता है, इसकी उम्र देखें और इसके काम आप देखें, किस तरह से इस बंदे की जेब से मोबाइल फ़ोन निकालेगा। अभी ये देखते हुए जाता है कि ये बंदा यहाँ शॉपिंग कर रहा है और वापसी जाकर अपने दो साथियों को लेकर आएगा। टोटल तीन बच्चे होते हैं, किस तरह से तीनों बच्चे मिलकर इस बंदे की जेब से iPhone 11 Pro Max निकालेंगे। ये देखें, बच्चा वापसी आया है और वापसी आने के बाद दुकान में इस तरह से खड़ा होता है कि इसे कुछ लेना है, दुकानदार को कुछ कहता है क्योंकि रश का टाइम होता है, दुकानदार भी मगन होता है और पीछे से ये किस तरह से वारदात करते हैं। देखिए, बच्चा जो होता है वो आदमी के साथ चिपक कर खड़ा हो गया, सट कर खड़ा हो गया ताकि पीछे वाले जो बच्चे होते हैं, ये ब्लू वाले शलवार कमीज वाले बच्चे पर आप नजर रखें, किस तरह से हाथ डालकर उस बंदे की जेब से मोबाइल फोन निकालने की कोशिश कर रहा है। वो पीला वाला जो बच्चा शलवार कमीज पहना हुआ है वो इसलिए सट कर खड़ा हुआ है ताकि उस बंदे को महसूस ना हो कि उसकी जेब से कुछ निकल रहा है। तो इस तरह की वारदात कराची में मुसलसल हो रही है, दर्जनों वारदात की वीडियो हमारे चैनल श्री रिव्यूज पर भी मौजूद है। इस तरह की वीडियो को देखें और अपने आसपास नजर रखें, मोहतात रहें इस तरह के बच्चों से ताकि आपका मोबाइल फोन बच सके। ये देखिए कितनी आसानी से बच्चे ने मोबाइल फोन निकाला है और बड़े ही महारत से इस बंदे की जेब से मोबाइल फोन निकाल कर फरार हो गया। अब ये तीनों बच्चा चले जाता है लेकिन उस बंदे को पता तक नहीं चलता है। आप लोगों से गुजारिश है कि मोहतात रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो इन बच्चों के घर वालों तक पहुंचे। जज़ाकअल्लाह।